फिर स्टूडेंट्स की बात की है, तो टीचर की ट्रेनिंग पहले होगी या पहले स्टूडेंट लिए जाएंगे? देखो दोनों इकट्ठा होगा। देखो पढ़ाना ही एक ट्रेनिंग है, आधुनिक तरीके से पढ़ाना भी एक ट्रेनिंग है। और आज की मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं इस विभाग में नया हूं, लेकिन मैं पिछले 25 दिनों में जो प्रमाण सहित जानकारी मेरे सामने रखा गया, क्योंकि आजकल इस डिजिटल के जमाने में कोई कुछ कह दे वो नहीं हुआ होगा तो उसको जानकारी मिल ही जाती है, और आप लोग तो हो ही साथ में, जानकारी को कोई छुपा नहीं सकता है। जो पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या, इस प्रकार की भयंकर स्थिति तो कोई सामना करेगा, कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर जो स्थिति बनी, अभी तो देश की बच्चों को शुभेच्छा देने की आवश्यकता है, स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं, देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जिस प्रकार की अभिमत रखा है, राज्यों ने हिम्मत करके भारत सरकार के साथ चर्चा करके, विशेष करके भारत की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्श से स्कूल खुलने लगे हैं। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या में इंटरनेट आधारित, सैटेलाइट आधारित और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित एक काफी मात्रा में कवरअप करने की कोशिश किया गया है। मैं इसको बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार भी करता हूं, शायद यह 100% नहीं है, लेकिन जो चुनौती था, जिस प्रकार की शॉटडाउन लॉकडाउन की दौर चली, उसमें से जितना सर्वाधिक हो पाएगा, मैं सभी राज्य सरकारों को, मैं इसीलिए मैं बड़ा प्रभावित हूं, राज्य सरकारें, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे फिलांथ्रोपिक बॉडी और भारत सरकार, ये मिलके, अभिभावक, ये सब मिलके, ये एजुकेशन की लॉस ना हो, नॉलेज लॉस ना हो, उसको कोशिश किया गया। फिर भी ये चुनौती है, धीरे धीरे नॉर्मलिटी की ओर सबको बढ़ाएंगे। इसीलिए समग्र शिक्षा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, सोची समझी योजना है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को, आखिर हमने ये लो ऑर्बिट स्पेस की दुनिया को खोला क्यों है, ये शिक्षा में कैसे ज्यादा काम आए, भारत की बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, एक्सेसिबल एजुकेशन दे, ये हमारी नीति है। यस प्लीज, या माइक दे दीजिए। यस प्लीज, 58। Hello, sir, I have a question related to the fast track course that you've just said. There are a lot of cases that have also come up in West Bengal. Will it be implemented in West Bengal also? Because abhi tak West Bengal has not done it in terms of the post violence also, post election violence. Yes, you have rightly mentioned it. Out of 31, only 28 has started it. And West Bengal is one of them who have not started it. And we are very hopeful they will start it soon for the fast track. 110. अनुराग जी, मेरा सवाल है कि आज और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आपकी चर्चा हुई और आज ही दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई कि 9 साल की बच्ची के साथ ये हुई, तो इस तरह की बच्ची और इनके परिवार वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलाने को लेकर, खास करके इस इंसिडेंट पर भी कुछ कैबिनेट में चर्चा हुई क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और दूसरे लीडर उनके विक्टिम फैमिली से मिलने भी गए हैं, तो क्या कैबिनेट में चर्चा हुई है? देखिए, कैबिनेट में ये चर्चा नहीं होती कौन किससे मिलने गया है। सरकार नीतियों कार्यक्रमों इस पर चर्चा करती है और उस पर मंजूरी ये की कि यौन शोषण की शिकार बच्चियों को, महिलाओं को तीव्र न्याय मिले, उसके लिए अगले 2 वर्ष तक इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को कंटिन्यू किया जाए। और अब जैसा मैंने पहले कहा कि 2018 में भी जो कानून लेकर आए थे कि जो माइनर गर्ल्स और इनके साथ जो रेप की घटनाएं, जो यौन शोषण की घटनाएं आती हैं, उसमें मौत तक की सजा का भी प्रावधान किया गया था। और ये इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी बढ़ाया गया है कि 1023 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें 389 हमारे स्पेशल पॉस्को कोर्ट्स हैं, उनको भी कंटिन्यू किया जाएगा और तीव्र न्याय मिले उस दिशा में ही काम किया जाएगा। दिल्ली में कौन गया और क्या राजनीतिक रूप से गया, मैं उस पर यहां पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्यों में भी जब इस तरह की घटनाएं लगातार हुई, वहां पर वो बिल्कुल चुप बैठे रहे।
तो दुर्भाग्य ये है कि क्या बच्ची एक ही राज्य में या दूसरे ही राज्य में दिखती है कि अपने शासित राज्यों में पंजाब में हो, राजस्थान में हो, बाकी जगह हो, वहां नहीं दिखी। तो मुझे लगता है बेटी के लिए न्याय, कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, गरीब की हो, अमीर की हो, पिछड़े की हो, अगड़े किसी की भी हो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया है, एक समान बनाया है, और तीव्र न्याय मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने आज फिर यह कदम उठाया है। अनुराग सर, कैबिनेट की बैठक में क्या राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन बिल पे भी चर्चा हुई आज? क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है और आज हम प्रमुखता से समग्र शिक्षा पर आप सबके सामने जानकारी रखने आए हैं, और जो जानकारी मुझे आपको देनी थी मैंने विस्तृत रूप से उसको दिया है। धर्मेंद्र जी, व्हाट वाज द एलोकेशन फॉर समग्र फास्ट फेज एंड सेंटर एलोकेशन, व्हाट वाज दैट? गेट बैक टू यू राइट नाउ, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन विद मी, व्हाट वाज आवर स्पेंडिंग ऑन फेज वन, आई विल गेट बैक टू यू। सर, दिस 3 lakh crore इज अप टू 2026 और इट इज एन एवरी ईयर एक्सपेंडिचर? पहले 3 lakh crore पैकेज जो आप दे रहे हैं हर साल आना है या 2026 तक का है? 5 साल के लिए, ये जो एलोकेशन है ये 5 साल के लिए। जहां अपन देखुले मोदी कैबिनेट रो बड़ो निष्पत्ति, स्कूल एवं शिक्षा क्षेत्र रे आरंभ हेबो नुआ युग, एथि पई अधिक फोकस करा जाय छि किभली भाबरे शिक्षा को विकास करा जिवो। आपण जानि छेंति जे कोरोना महामारी परे लगातार भाबरे शिक्षा किभली भाबरे व्यतिग्रस्त होई पड़ी छि, शिक्षा किभली भाबरे प्रभावित होई छि, एवं विशेष भाबरे जो छात्र छात्री माने रहि छेंति सेमाने निज करियर को नेकि जेति कि चिंता रे ताठो अधिक चिंता रे अभिभावक माने मध्य रहि छेंति जे पिलांक भविष्यत कोन हेबो। किंतु नुआ शिक्षा नीति जेतेबेले सामना को आसीछि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वरु मध्य ए विषय रे आलोकपात करथिले, विषय रे आलोचना करथिले, एवं आज पुणि थरे मोदी कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति, स्कूल शिक्षा क्षेत्र रे नुआ युग आरंभ होइछि बोली कहा जाय पारे। एणिकि सरकारी स्कूल रे आरंभ हेबो प्ले स्कूल, देशर समग्र शिक्षा 2 को मोदी कैबिनेट रो मंजूरी, ज्योति पाई 2,94,000 crore टंकार समग्र शिक्षा 2 योजना को मंजूरी मिली। प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना करा जाई, एवं प्ले स्कूल सरकारी स्कूल रे हेबो, एवं सरकारी स्कूल मानक रे प्ले स्कूल रो जो परिकल्पना करा जाई छी ता निश्चित भाव रे पिलांकर भविष्य को अधिक सुदृढ़ करिवो, एवं सेमानक फाउंडेशन को अधिक स्ट्रेंथन करिवो। ए विषय अधिक आलोचना करबा अमरेश्वर मिश्र शिक्षाविद आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन श्रीजुक्त मिश्र, स्वागत करुच्छे आपको अर्गस न्यूज को। किभली देखुं जितेबाला शिक्षा को लेकिन सबुठ अधिक चिंता व्यक्त करा, कोरोना महामारी रे शिक्षा बहुत मात्रा रे प्रभावित हो, सरकार नुआ शिक्षा नीति को केमती देखते आप? देखते ये गोटे जुगानकारी निष्पत्ति कह कहीं अतीत चिंता कर मोदींकर जो द्वितीय पाळी रे से वर्तमान शिक्षा को सार्वजनिक करबा को चाहूचंती। प्रथम कथा स्कूल रे हमरो ओडिया स्कूल रो पिला माने पाठ पढ़िबे, स्कूल को आसीबे, ड्रॉप आउट हबो नाही, समस्ते अट्रैक्टेड हेबे, तेणु स्कूल रे जदि प्ले स्कूल रहिबो पिला माने खेलिबा पे व्यवस्था रहिबो, विभिन्न कंडे हो, विभिन्न मानचित्र हो, विभिन्न प्रकार रही तार सरंजाम सब रहिबो, भल हल रसी व्यवस्था आदर्श स्कूल टी हम तेणु जो पिला माने स्कूल को आसवा को चाहू नथिले सेमाने सब आसीबे, आ पेरेंट्स माने खुशी रे से स्कूल को पिला को पठेबे, एवं पिला माने खेली बोली किरी पाठ सिखिबे, तांको जबरदस्त करिकिरि आमे ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट न कहिकिरि जदि गोटे एप्पल थोइबा गोटे बैट थोइबा एवं सेठी गोटे कैट थुआ हबो ता सहित से खेलिबे से जानिबे जाणिकरी शिखिबे एवं से उच्चारण से करा जिवो आदर्श शिक्षक रहिबे, तेणु ये जो व्यवस्था से करिवो चाहूचंती जे अपन तो स्टैंडर्ड बिगिनिंग रु स्टैंडर्ड 1, 2, 3 पर्यंत अपन चालतु से पर्यंत पिला माने जदि शिक्षा प्रति आग्रह हेबे एवं शिक्षा क्षेत्र को आसीबे स्कूल रे पहुचिबे ताले से धीरे धीरे
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଫି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସାଧାରଣରେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ଦେଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ 70% ଲୋକ ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ଗାଁର ଯୋଉ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାର ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସେଠି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ମାନସିକତା ଆସିବ ଯେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ବି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବ ଏବଂ ଯାହା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାଉଥିଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ପିଲା ତାକୁ ପାଇବେ, ଏଇ ସୁଯୋଗ ହଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏ ସୁଯୋଗଟା ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ମାନସିକତା ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଏମାନେ ସେମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଫେସର ମୀନକେତନ ପାଣି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି, ତାକୁ ଆମ୍ଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆମ୍ଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଥିଲା, ଏବଂ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କେବଳ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିକି ରହିଥିଲା, ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ, ଏ 5 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ସହରୀ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥାଏ, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା ଦେଖିବା, ଏ ତାରତମ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସମ ପରିମାଣର ମେଧାବୀ ହେବେ ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତାର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 80% ବା 80% ଜ୍ଞାନ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଆହରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ତେଣୁ ଆମର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା କେବେ ନ୍ୟୁନ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସହରରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସହରରେ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ, ଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ
निश्चित भाव में शिक्षक शिक्षयित्री एक बड़ भूमिका रही चैलेंज बढ़ी कहते निश्चित भाव तार कारण हूँ देखो ये गोटे नुआ परिकल्पना जो स्वप्न से बर्तमान आम स्वप्न सफल होने जो शिक्षक शिक्षय आठ पढ़े से ट्रेनिंग दिजिव से ट्रेनिंग पाला आसी ये पाठ पढ़े आप गोटे तो मन कहीदेक चाहिए आपन जो कौन गोटे विदेश को जी विदेश कौन गोटे अगर राष्ट्र को जी से देखिए जो प्रकार छोटा छोटा पिला जो पिला माने जाकर लाइब्रेरी बसती प्ले स्कूल सहित आटाच थाए लाइब्रेरी से पिला पढ़ापी एडे सुंदर बही थी एडे सुंदर चित्र होते एमती व्यवस्था थी जे बही प्रति आग्रह थी खेलना प्रति आग्रह थी खेल बुलवा भितर पाठ पढ़ा चली पा मानक शिक्षक शिक्षित मैंने शिखेकर कहीदेव यहाँ से धरी ने शिखार शिखार जो आग्रह पिलार जो मेम जहाँ फाउंडेसन गोटे कह जाए आमर आम जब फाउंडेसन टा पिला स्ट्रंग करदे तेल सी पिला निश्चित भाव भविष्य अति गोटे उच्च मान र शैक्षिक वातावरण में पाठ पढ़ले पाठ अधिक मन रहे कारण एटमॉस्फेयर भी बहुत अधिक बा परिवेश भी बहुत अधिक दायी आपण केमिति स्टूडेंट आपण केमिति पढ़ुचंती ए सबु पाई घरे पाठ पढ़िबा एवं प्रॉपर गाइडेंस भितरे पाठ पढ़िबा ए दुईटा भितरे डिफरेंस आपण अनुभव करंती ना नहीं निश्चित काहेकि ना आपण देखंतु गां गंडारे जो माने परिवार अछन जो आपण पेरेंट्स मानु देखुचंती समस्ते शिक्षित नुहति समस्त ज्ञान ना जिते गोटे शिक्षायतन को पिला आसब एवं सुंदर शिक्षायतन को आसब से सुंदर परिवेश भितर शांत सुंदर कमनीय परिवेश भितर से पाठ पढ़े आरंभ कर तार जो शिक्षक शिक्षित थे स्नेह श्रद्धार सहित पिला पाठ पढ़े तेणु ये जो पर आसब ये प्रकार परिवेश निश्चित भाव अति सुंदर भाव साहय कर जहाँफल पाटी मन को मन शिखिज सी आ घरे न रही सब छाइब मुझे केमी स्कूल को आसबि मोर स्कूल केत खोला हे तेनाली निश्चित भाव से पहुँचब ये कार्यटी भल भाव मुझ निश्चित जे भविष्य यही पिला मैंने जो पठ हार एम कौन भाव में न्यून हेनी जेकोसी सहरी स्कूल पब्लिक समान है बे कारण कम्युनिकेशन स्किल गैप रही प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना वर्तमान जो नुआ शिक्षा नीति निश्चित भाव से दिगरे बुस्टअप कर समय छोटिया ब्रेक ब्रेक पर फेर आलोचना कर स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ये जो नुआ युग आरंभ होउची तार विभिन्न दिग उपर फेरबा आलोचना को मोदी कैबिनेट रो बड़ा निष्पत्ति बाबद रे आलोचना करूछु जोठी स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नूतन युग आरंभ हेबो सरकारी स्कूल रे भी एणिकी आरंभ हेबो प्ले स्कूल ता सहित देशरे समग्र शिक्षा को किभली भाव रे विकास करा जाई पारिबो प्रतिटि क्षेत्र रे मानसिक विकास कथा कोंतु एवं गुणात्मक शिक्षा कथा कोंतु ए दुईटी को प्रायोरिटी दिया जाई छी ए दुईटी पई कोटि कोटि टंका खर्च करा जाउछि एवं गां गहले रे जो पिला माने अछन्ति सेमानक शिक्षा पद्धति मध्य आगो को बढ़िबा दरकार वैषयिक क्षेत्र रे कोंतु बा टेक्नोलॉजिकली सेमाने साउंड हबा दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेमानक पाखरे पर्याप्त रहिबा दरकार ए सब कथा को गुरुत्व दिया जाइछि एणु नूतन शिक्षा नीति एक विप्लव आनिबो एक परिवर्तन आनिबो ए कथा सुनिश्चित करिछन्ति मोदी कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति जरिया रे सरकार तो ए बाबद रे अधिक आलोचना करथलु प्रोफेसर मीना केतन पाणी को पाको फेरबा पई चाहिबे प्रोफेसर पाणी आपण किभळे देखंती गां गहळरे जो पिला माने अछंती अनेक समय रे समान को भितर थिबा प्रतिभा विकसित तो होई पारे नाही कारण सेमाने जेतेबेले बड़ बड़ प्लेटफॉर्म को जानती प्रॉपर ज्ञान समान को पाखरे रहिथाय किंतु सेमाने कहिबा पई भय करंती सेमाने 10 लोकन को आगरे प्रेजेंटेशन देबा पई भय करंती कारण कोठना कोठी गोटे इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स समान को भितरे थाय वर्तमान ताहाउ रहिबो नाही ए अश्योरेंस हम को मिलिबो कि देखंतु बाल्य शिक्षा द्वारा पिलामानकर जो हीनमन्यता थिला से हीनमन्यता वर्तमान रहिबो नाही काहेकि ए बाल्य शिक्षा को सुदृढ़ करिवा पई मु एठी आपण मानको कहबा को चाहे जे एनसीआरटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तार गोटे विभाग रही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तेणु ये बाल्य शिक्षा को सुदृढ़ करने
बाल्य शिक्षा को मनोरंजन मनोरंजन भित्तिक करने से माने विभिन्न प्रकार गवेषणा करूँगी विभिन्न प्रकार गवेषणा चली प्रथमत विभिन्न प्रकार पुस्तक तैयारी जो पुस्तक साहय पे पाठ पढ़ी पारे से गोटे चित्र थी रंगीन चित्रटे थी रंगीन चित्रर विपरीत पार्श्वर से लेखाटी थी तेणु पाने रंगीन चित्रर लेखा को निजर बुद्धि ज्ञान को से परिवर्धित करें जो आर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को निर्दिष्ट भाव जो कार्यक्रम दिखाई से मैंने मुझुची सफल भाव रूपायन करें पाकर जो हीनम्यता आम गाँ स्कूल पाला आपण से भाषागत दक्षता आपण एरिथमेटिक दक्षता कहतु बापर से ज्ञान परिसीमा कथा कहतु ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन द्वारा गाँ स्कूल जो प्ले स्कूल मान तैयारीनम्यता रही से भाषागत दक्षता बहुत परिमाण में वृद्धि हम निश्चित भाव में श्रीजुक्त मिश्र आप अनुभव करती निजर जो हीनम्यता रही पूर्वर गाँव में थोड़ा पिला मानकर से बड़ बड़ प्लाटफर्म को जाते रहा ज्ञान परिसीमा व्याप्त हो कारण एणिक बाल शिक्षा बा फाउंडेशन स्ट्रंग हम बोली आम कहीपर हाँ सर इटा तो कथा मुझे आगे कहते सब मूल दुआ हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट मूल दुआ जदि आम दुर्बल हो गला से पिला कभी आग को जी ना तेणु आम जिते बड़े सब प्रकार सुजोग सुजोग दौच पाटी को सी बर्तमान से पाठ पढ़ बहर सुविधा पाव शिक्षक सुविधा पाव एवं विभिन्न सरंजाम सुविधा पाव से ही परेश ज्ञान आहरण कर से ज्ञान परिपक्वता हम एवं परवर्त समय से हायर स्टडीज को जीव से ज्ञान ही साय कर से आग आग को अग्रसर हम तेणु तार हीनमता रही कारण से जेकोसी सहर को जाऊ जेकोसी पब्लिक स्कूल रिला सहित इंटराक्शन करू कथबार्ता करू तार कथा तार ठाणी तार कहार भंगी एवं तार जो प्रकार परिप्रकाश घटव ता निश्चित भाव ओके भविष्य परिपक्वता भविष्य परिप्रकाश निश्चित भाव में बर्तमान एक परिकल्पना ये परिकल्पना किभली भाव में वास्तवतार रूप नेब एवं यहाँ सुनिश्चित करने शिक्षक शिक्षयित्री भितर से परिमाण आंतरिकता दरकार प्रोजेक्ट सफल हो पार निश्चित भाव कारण जदि जो शिक्षक शिक्षयित्री से जी मुझे गोटे कथा कहीदे आप देखिए बाहर देश मान प्राइमरी स्कूल टीचर प्रति तांकर योग्यता एवं तांकर जो दरमा तभी भाव उच्चकोटीर थाए जे सेठी से स्वतप्रोत भाव यही प्रोफेशन टाक नहीं जाती तेणु गोटे शिक्षा प्रांगो मतरे गोटे प्राइमरी स्कूल टीचर ताको बहुत अधिक दरमा देवार आवश्यकता रही तार योग्यता भी बहुत अधिक हवा दरकार से बहु उच्च शिक्षित हवा दरकार उच्च शिक्षित उच्च दरमा एवं उच्च ट्रेनिंग प्रभावित हे एणु सब दिग को विचार करने दरकार प्रथम शिक्षक को संतुष्ट करने दरकार जड़े संतुष्ट मन शिक्षा दान कले तार लाभ पाई छात्र छात्री निश्चित भाव कहीं शिक्षक जब असंतुष्ट है तार जब पेट न पूरला सी जदि सुस्थ मानसिकता भितर पाठ पढ़े न जाए तो केवल भी गुणात्मक शिक्षा दे पार ना ओके गुणात्मक शिक्षा क्षेत्र में आउ कौन कौन आवश्यकता आप अनुभव करती तेणु गुणात्मक शिक्षार गोटे कथा आप मन रखिए आम जो करिकुलम टे कोर्स डिजाइन होर्स डिजाइन टा हूँ बड़ा इंपोर्टेंट जो माने शिक्षित व्यक्ति माने जो कमिटी गढ़ाई से माने जो कोर्स तैयारी करलाबस तैयारी करी भाव तैयारी करा दरकार जे प्रत्येक स्तर रे पिलाटी से मान भल भाव से बुझी पार भल भाव से पढ़ी पार आगू आगू शीघ्र जाऊ तेणु ये गोटे है भल करिकुलम गोटे है भल टीचर गोटे है भल इनफ्रास्ट्रक्चर आउ गोटे कथा मुझे सब जोर दे शिक्षक मानू मानदंड
ଆଗେ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାର ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଗୋଟେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏବଂ ତାର କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଫେସର ମୀନକେତନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ପରିକଳ୍ପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ନେବ। ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୀନମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯିବ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ପିଲା କିଭଳି ବିକଶିତ ହେବେ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ସମୟ ହେଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠୁ କିମ୍ବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।